महाराष्ट्र में ठाणे में बताया जा रहा है कि करीबन देर रात को एक क्रेन गिर गई है और 15 लोगों की जान फिलहाल बताया जा रहा है, रिपोर्ट करी जा रही है कि उनकी जान चली गई है। जो एनडीआरएफ की टीम से दो टीम्स मौके पर पहुंच चुकी हैं और आप देख सकते हैं आपके विजुअल्स में दिख रहा है कि कितना भयानक हादसा ये दिख रहा है। कई लोग अभी भी क्रेन के गिरने से उसके नीचे दबे होने के कारण की खबर आ रही है। आप देख सकते हैं रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, लोकल्स के साथ साथ वहां की स्थानीय टीमें भी लगातार रेस्क्यू करने में लगी हुई हैं। देख सकते हैं कितनी बड़ी तादाद में ये क्रेन है जो वहां गिरी है, थाने से खबर आ रही है और इसी के साथ साथ 15 लोगों के मरने की भी हाल फिलहाल में खबर मिल रही है और न्यूज़ रिपोर्ट्स ये भी आ रही है फिलहाल के कई लोग फंसे भी हो सकते हैं। और आप देख रहे हैं कि ये जो कंस्ट्रक्शन वर्क जारी था राकेश, हमें जो तस्वीरें आ रही हैं फिलहाल आज सुबह की, उसके हिसाब से हमें समझाइए कितना बड़ा और दर्दनाक ये हादसा था, 15 लोगों की जान फिलहाल जा चुकी है। देखिए ये बहुत ही दर्दनाक और बड़ा हादसा है। बीती रात तकरीबन 11:30 से 12 बजे के आसपास शाहपुर के पास जो सागलांबे गांव है वहां पर ये समृद्धि महामार्ग का निर्माण चल रहा था, उसके लिए जो पुल पे गर्डर लॉन्च करने का जो काम किया जाता है देर रात ताकि ट्रैफिक को जो है वो असुविधा ना हो, उसी गर्डर को लॉन्च किया जा रहा था और उसी वक्त ये जो लॉन्चर है जो एक सपोर्ट सिस्टम होता है लोहे से बना हुआ होता है ये तकरीबन 200 फीट ऊपर से ये नीचे गिरा है और जो लोग मजदूर ऊपर उस वक्त काम कर रहे थे उनमें से कुछ मजदूर सीधे 200 फीट की ऊंचाई से नीचे गिर गए हैं और जो कुछ मजदूर नीचे थे वो भी इसके चपेट में आए और इसमें फंसे हुए हैं। अब तक यहाँ पर जो एनडीआरएफ की टीम पहुंच चुकी है, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, 15 जो लोगों की लाशें हैं वो बरामद की गई हैं, उसे अब जो है अस्पताल ले जाया गया है, साथ ही साथ 3 लोग जो है वो जख्मी है उनकी भी हालत नाजुक बनी हुई है, उन्हें मुंबई ठाणे और कलवा के अस्पताल में वहां भर्ती करा के उनका इलाज किया जा रहा है। एनडीआरएफ के मुताबिक अभी भी 5 से 6 लोग जो है वो इस लॉन्चर के नीचे दबे होने की आशंका है जिन्हें बचाने की कोशिश जो है वो की जा रही है। अब ऐसे में देर रात जब ये काम चल रहा था तब वहां पे सुरक्षा के कौन से जो एसओपीज हैं वो फॉलो किए गए या नहीं किए गए, किस तरीके से इसमें क्या किसी की लापरवाही है कोताही है इसको लेकर भी जांच की जाएगी। राकेश अगर उसके बारे में जानकारी दे सके तो अभी तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक ये जो लॉन्चर है ये सिंगापुर से लाई गई एक मशीन है, स्टेट ऑफ द आर्ट मशीन है, ऐसा दावा जो है वो महाराष्ट्र सरकार कर रही है। अब तक इसने 50 से ज्यादा गर्डर लॉन्च करने का काम सक्सेसफुली किया हुआ है और ऐसे में देर रात जो है क्या कोई नट बोल्ट फिटिंग में जो कहीं लूज हो गया या तेज हवा बरसात की वजह से ये लॉन्चर जो है वो नीचे गिरा, इसकी मुख्य वजह क्या थी ये अब तक जानकारी जो है सरकार की तरफ से प्रशासन की तरफ से सामने नहीं आई है। उनका कहना है कि जैसे ही सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो जाएगा उसके बाद इसकी जांच के लिए एक खास टीम बनाई जाएगी और वो इस बात को पता लगाइए कि आखिर इसमें किसकी लापरवाही थी या फिर ये किस तरीके का डिजास्टर था।